टिकटॉकर्स का बिग बॉस। मेरे ख्याल से काफी सारे यूट्यूबर्स ने अभी तक इसके बारे में बात कर ली होगी और मैं हर बार की तरह लेट हूँ, मगर नाउ इट्स माय टर्न कि मैं इनको तवे के ऊपर तलू, बिकॉज यू नो मेरे को रियलिटी शोज की मारने में ज्यादा मजा आता है। एंड दिस इज अ साइन फॉर माय ओजी फॉलोअर्स कि भाई बहुत जल्दी रोडीज का रोस्ट भी आ रहा है। मगर उससे भी इंपॉर्टेंट चीज कि एमएक्स टकाटक कैसा नाम है भाई, मतलब सेकंड हैंड मोबाइल बेचते हो तुम लोग है या ईटे की भट्टी है तुम्हारी? एमएक्स टकाटक, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि भाई तुम लोग टिकटॉकर्स के ऊपर रियलिटी शो बनाओ? और शो का नाम भी भाई साहब खतरनाक, एमएक्स टकाटक फेम हाउस, जो कि भाई साहब इतना गंदा है जिसके सामने स्प्लिट्स विला भी भाई साहब भगवान का प्रसाद लगे। तो देखो मैंने एक्चुअली इस नाले के अंदर अपना मुंह दिया कि तुम लोग को इस नाले के अंदर अपना मुंह ना देना पड़े, एंड ट्रस्ट मी मेरी आके दर्द के मारे चीख रही है। ये शो इतना गंदा है कि भाई स्टार्टिंग के 10 सेकंड के अंदर इन लोगों ने क्रिंज करना स्टार्ट कर दिया। गलत बात की, अप्रिशिएट कर रहा था कि तुम लोग अच्छा खेले, तुम इनको बोलती है इस बार तूने देखा ना सबका बड़ा बड़ा है, तेरी फैंटेसी है ना। अरे कैसी भी मुंह पट रहेगी, अपने घर की रहेगी वो, कैसा हो जाएगा मालूम है? मेरा पारा ना बहुत हाई हो रहा है और मैं ऊपर फिर हंगामा करूंगा। और हंगामा कैसे करेगा वे, ये कॉन्स्टिट्यूशन वाली शक्ल बना कैसे? बनूंगा किसी का मैं नौकर। और भगवान कसम ये शो अच्छा हो या ना हो, मगर एक चीज शो के अंदर अच्छी हुई कि भाई इनकी रियलिटी दिख गई। फॉर एग्जांपल इसे देखो, ये तुम्हारे सामने जोकर जो कि टिकटॉक वीडियोस के अंदर आता है बिल्कुल फिल्टर वगैरह लगा के मेकअप वेकअप पोत के, और अभी शो के अंदर देखो ऐसा लग रहा है जैसे कि भाई साहब मच्छर वाले बैडमिंटन के अंदर मच्छर फंस गया हो। ये बोलने वाली बात है, लड़की है। अरे तो ठीक है, सुनो सुनो सुनो, किसी की मर्दानगी पे बोलेगी ना, लोग कर लो बात भाई साहब। इनके टिकटॉक के फ्रेंड्स भी इनके मर्दानगी के ऊपर शक करते हैं। तुम लोग हमें कहते हैं कि भी हम लोग शक करते हैं, भाई हम लोग कहाँ यार, इनके साथ वाले शक कर रहे हैं इनके ऊपर। दुनिया में आया मैं नाम बनाने, लोगों में अपनी पहचान बनाने, लोग लगे एक दूसरे को हराने, कुछ भी ना लगा मेरे ठिकाने, मैं भी लगा यहाँ मुंह बनाने। और करेगा भी क्या भाई तू, मतलब ये बंदा इतना इतना बेशरम है कि भाई जब शो के अंदर इसका इंट्रो आया तब उसने इस इंट्रो के अंदर भी कह दिया कि भाई मैं मुंह बनाने के लिए फेमस हुआ हूँ और जोकर नाम से भी जाना जाता हूँ, उसके लिए मैं वायरल हुआ था बहुत ज्यादा ही। तो यहाँ भी मुझे उतना ही प्यार देना, लव यू सैमी फॉरएवर। क्या लव यू सैमी फॉरएवर? अबे इसका क्या मतलब हुआ भाई, इसका क्या मतलब हुआ? साले जुलाब वाली शक्ल बनाने से अच्छा कि भाई साहब पढ़ाई वढ़ाई कर ली होती तो आज ये सेमी फॉरएवर तो नहीं बोल रहा होता। कसम से भाई एक से बढ़के एक चूते लोग शो के लिए उठा के लाए हैं, और भाई साहब आधे से ज्यादा लोग तो इसलिए फेमस है क्योंकि उनकी स्माइल बहुत प्यारी है। लोगों को मेरी स्माइल बहुत पसंद आती है। मैं फेमस हूँ अपनी स्माइल और अपनी क्यूटनेस को लेकर, और मेरी स्माइल तो बहुत ही ज्यादा अच्छी है। और एक चूतिया भाई साहब कसम से अपने इंट्रो के अंदर ये कर रहा था, Hi guys, my name is Deepak and मुझे बवासीर है। और जब इन लोग का इंट्रो खत्म हो गया और इन लोग को लास्ट में टैलेंट वगैरह दिखाना था शो के अंदर, तो ये भाई साहब ये बंदा गया स्टेज के ऊपर, वहाँ पर जाकर शायरी पेल रहा है। वक्त के साथ बदलना सीखो या वक्त को बदलो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। अबे चूतिये 12वीं पास कर ले, चलना सीखेगा तू, साले तेरे टांग तोड़ दूंगा। रणवीर की तरह। और भाई तूने अपने मुंह के ऊपर क्या लगा रखा है भाई, इतना आर्टिफिशियल लग रहा है भाई कसम से। तुम कुल मिला के इन लोग का टैलेंट ये है कि भाई अच्छी शक्ल दी बना के रखना टिकटॉक के ऊपर, फिल्टर विल्टर लगा देना कि भाई जब तुम्हारे लोग देखे तो मैं तुम हाँ कि भाई वाह यार लड़के की शक्ल अच्छी है यार, इसे फॉलो करो फटाफट, इसके अंदर तो टैलेंट है बहुत सारा। लोगों को मेरी स्माइल बहुत पसंद आती है। और एक लड़की ने तो भाई इतनी क्रिंज से भरी हुई लिपसिंग की ना भाई, जाके स्टेज के ऊपर टैलेंट के नाम पे, ए भगवान तुम देखो। था थोड़ा ज्यादा टैलेंट होगा लोगों में। डिसअपॉइंटेड, सीरियसली डिसअपॉइंटेड, मुझे लगा इतने सारे फॉलोअर्स हैं, इतने सारी फैन फॉलोइंग है, कुछ तो होगा। आपको अभी लग रहा है मैडम, हम लोग जो इतने सालों से बोल रहे हैं कि भाई ये लोग बिल्कुल ही भद्दे हैं, कोई मतलब नहीं इन लोग का, हमारी बात तो कभी मानी नहीं तुमने। मेरा पूरा सपोर्ट तो भाई उस होस्ट के ऊपर है कि बिचारी वो बंदी पूरे का पूरा क्रिंज सहन कर रही है इन लोग का, और वहाँ पर खड़े खड़े भी बार बार हंस के कह रही है कि भाई बहुत अच्छा किया तुम लोगों ने, हर हाल में चलना सी। क्या बात है, हसदे चेहरिया का मतलब ही नहीं होता कि उन्होंने कोई तकलीफ नहीं होती, उसका मतलब ये होता कि इन्हें तकलीफों नाल डील करना होता, जबकि उसकी अंतरात्मा जानती है कि भाई उसे भागने का पूरा मन कर रहा है वहां से। उसके दिमाग में एक ही चीज चल रही है, घोटिया कल्टी मार। और एक बंदी ने तो भाई साहब ये बंदी एक्चुअली टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब के कंट्रोवर्सी में कह रही थी कि भाई हम टिकटॉकर्स बहुत मेहनत करते हैं, हमारे अंदर बहुत टैलेंट होता है, यूट्यूबर्स क्या जाने हम लोग कितनी मेहनत करते हैं, बहुत स्ट्रगल है हमारी जिंदगी में। उस टाइम पे ऐसी बकचोदी कर रही थी, और इसने अपना टैलेंट दिखाने के नाम पे स्टेज पे जो किया तुम लोग देखो। आई हैव डन मेनी वर्क्स एंड मेरा वर्क था जो था ट्रेंडिंग में, इफ एनीवन रिमेंबर्स स्टोरी जो खन के, ये बकचोदी इसकी मोस्ट व्यूड वीडियो थी। भैनचोद सॉरी मैं गाली दे रहा हूं, बट यहां पर व्यूज नहीं आते, सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे, और ये
अगर वीडियो पसंद आ रही तो फटाफट सब्सक्राइब कर दो, थोड़ी शर्म करो यार, सब्सक्राइब फॉर नाइस कंटेंट। बट फॉर ए कॉन्टेक्स्ट, जिन गवार लोग को, जिन मतलब अनपढ़ दिमाग से पैदल लोग को ये मास्टरपीस ऑस्कर विनिंग चीज समझ में नहीं आई, तो उन लोग को मैं समझाता हूँ कि यहाँ पर क्या हुआ। ये लड़की हमारी फीमेल टॉम क्रूज एक्चुअली अंधी है, ठीक है, आंखें नहीं है इसकी, तो ये ऐसे चल रही है और ये चूतिया आगे से आ रहा होता है और ये मैडम से टकरा जाती है, तो फिर हमें मालूम पड़ता कि ये बंदी अंधी नहीं है, ये बंदी अंधी नहीं है, इसको दिखता है। ये कॉन्टेक्स्ट है इस वीडियो का। मेरे तो ना भाई सब आंखों से आंसू आ गए ये मास्टरपीस को देख के। इन सब टैलेंटलेस नमूनों के अंदर एक सबसे बड़ा चूतिया जो लड़का है ना, वो लड़का है ये। कैसे, वो मैं समझाता हूँ। देखो टैलेंट शो चल रहा है इन लोग का, सारे सारे लोग टैलेंट दिखा रहे हैं, टैलेंट क्या कचरा दिखा रहे हैं अपना। होस्ट बिल्कुल क्रिंज फील कर रही है, उसके मन में बिल्कुल ही अपने आप को चाकू मारने का मन कर रहा है, बट फिर भी वो पैसे के लिए इन चूतों से कहती है कि भाई आर यू गाइस इंप्रेस्ड बाय विश। तब ये टैलेंटलेस टिकटॉकिया बोलता है, आप ये देखो कि अगर मैं यहाँ पे आया हूँ तो ठीक है, मैं ऑलरेडी इंप्रेस करके आया हूँ, तो अगर आया हूँ तो मैं इन लोगों को क्यों इंप्रेस करूँ, आपको क्यों करूँ भाई। तीन बार किसी ने बोल दिया इंप्रेस करना, यार मैं नहीं कर सकता इंप्रेस। विशाल इट्स जस्ट 30 सेकंड, कर लो अपना यार, इट्स ओके। वो हम लोग के साथ प्रैंक कर रहा था। सॉरी अरे सॉरी, मैं प्रैंक कर रहा था, सॉरी। इंप्रेस करना था, बीइंग एन एक्टर मैं एक्टिंग ही कर सकता था। एक्टर है वो बहुत बड़ा और वो एक्टिंग कर रहा था। विशाल एक काम कर, मेरे साथ आ। विशाल मेरे भाई ये है लोहे का जंग खाया हुआ डब्बा, और साले चूते इसे डब्बे में डाल के मारूंगा तुझे, डब्बे के अंदर बंद करके बाहर से ताला लगा दूंगा। एक्टिंग के नाम पे क्या बकचोदी कर रहा है भाई तू, बता रहा हूँ इतना मारूंगा ना कि शक्ल से लोगों को मेरी बहुत पसंद आती है। और एक्चुअली गाइस तुम लोगों ने ना यहाँ पर एक बहुत बड़ा टैलेंट मिस कर दिया, मतलब तुम लोगों ने विशाल का टैलेंट देखा, तुम लोग उससे इम्प्रेस हुए, मगर क्या तुम लोगों ने इस बंदी का टैलेंट देखा। Sorry. इन मैडम का टैलेंट है कि भाई ये अपने वीडियोस के अंदर रोती है। हाँ ये जो रो रही थी ना, ये फेक क्राइंग थी, तुम लोग को समझ में नहीं आई होगी, मैं बता रहा हूँ तुम लोग को, ये बंदी एक्टिंग कर रही थी, ये अपने टिकटॉक वीडियोस के अंदर भी यही करती है। नहीं मानते, क्यों मानोगे, देखो। तो गाइस आयुष मेरे पे रोज प्रैंक करते है ना, तो आज मैं उस पे प्रैंक करने वाली हूँ। आयुष मुझे तुमसे बात करनी है। मैं यश को लाइक करती हूँ। मजाक क्यों कर रही है? मैं मजाक नहीं कर रही, कोई मजाक नहीं चल रहा है, मैं सीरियस हूँ। मैं बहुत टाइम से बताने वाली थी बात, बट नहीं बता पा रही। सही बोल रही है? हाँ यार वो थोड़ा सा, उसको क्यों पूछ रहे हो तुम, उसको क्यों आंखें दिखा रहे हो? मैं बता रही हूँ ना, आज के बाद हमारा सीन खत्म है, मैं इसके साथ। पागल हो, ऐसी बातें कर रही है क्या? आयुष मजाक नहीं चल रहा है ये, और दूर रहो। क्या दूर रहो, क्या क्या है ये? तुम लोग को टैलेंट दिखा, ये रोई ऐसे रोई जैसे कि भाई साहब किंडरगार्टन के अंदर किसी बच्चे की पेंसिल छीन ली हो किसी ने। और ये आयुष यादव, आयुष यादव ने खुद के ऊपर ही हुआ प्रैंक अपने ही टिकटॉक अकाउंट के ऊपर डाल दिया। चूती है आयुष यादव, साले तू खुद टट्टी करता है और धुलवाता अपनी बंदी से, और तू अपने आप को एक्टर कहता है। और इन फ्यूचर मेरे को एक्टिंग करनी है। हाँ सालो सब एक्टर हो तुम लोग, सबके सब एक्टर हो तुम लोग, यहाँ तक कि जो उस प्रैंक के अंदर जो उस लड़की का बॉयफ्रेंड बनाया ना, वो बंदा तक एक्टर है भाई, एक नंबर एक्टर है वो। तभी तो जब हमारे आयुष यादव ने पूछा कि भाई वो सही कह रही है, तो इस लड़के ने कहा हाँ भाई थोड़ा सा सही बोल रही है। क्या कहूँ मैं तुम लोग को, मेरे मुंह से गाले गाले निकलती तुम्हारे लिए। मैं नहीं चाहता इतना अब्यूज करना, मगर तुम्हारे कारण में ऐसे ना बनूंगा किसी का मैं नौकर। तो यार बस यार आज के लिए इतना ही, मैंने एक्चुअली इस बंदी का मिस कर दिया, इस बंदी ने भी बहुत कुछ किया है अपने इंट्रो के अंदर, बट ये सब मैं कवर करूंगा अपने सेकंड पार्ट के अंदर। जी हाँ मैं सोच रहा हूँ कि सेकंड पार्ट बनाऊँ इस वीडियो का। अगर तुम लोगों ने नीचे कमेंट किया कि सेकंड पार्ट बना, तो मैं पक्का सेकंड पार्ट बनाऊंगा। तो बहुत सारे लाइक करो और नीचे बहुत सारे कमेंट करो कि सेकंड पार्ट चाहिए तुम लोग को, कि भाई सेकंड पार्ट क्यों। तो देखो यार समझो, ये इन लोगों ने इतना मेहनत करके 5 एपिसोड का सीरीज बनाया, इन लोगों ने 5 बड़े बड़े एपिसोड बनाए इन लोगों ने, तो मैं इन्हें एक वीडियो में छोड़ दूं ऐसे कैसे भाई, और वीडियो बनेगी और गंदे तरीके से मारेंगे। सब्सक्राइब कर दो फटाफट, बिकॉज मैं बहुत डोप ऐसे वीडियो बनाऊंगा तुम्हारे लिए, एंड यू विल एंजॉय इट, तो फटाफट सब्सक्राइब कर दो। I'm not free, but तूने ही तो कहा कि baby जाने दे।